अस्सलामुअलैकुम। बस कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? उजाला किचन में वेलकम आपका। आज हम ऑरेंज ऑमलेट लेके आए बनाने के लिए, और ये हमारे पास 6 अदद रखे हुए हैं। हम इसका अभी छिलका उतारेंगे और ऑमलेट बनाएंगे इंशाल्लाह ताला। भी इसको अगर आप ऐसे करके, तो हमने अभी लाइनें बनाई ऐसे ऐसे फाके ऊपर से, वो बनाएंगे छिलके पे, तो छिलका बहुत आसानी से उतर जाता है। ठीक है, ये देखें पूरा छिलका आसानी से उतर गए सारे आसानी से ये। और फिर इसको हम इस तरह से खोल के और इसके अंदर के सारे बीज निकालेंगे। ये देखें बहुत आसानी से बीज निकल जाते हैं। आप चाहें तो यहाँ से भी खोल के इसको बीज निकाल सकते हैं इसमें से। ये देखें ये बीज निकल गया आसानी से। अब आपकी मर्ज़ी, आप चाहें तो यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं इसके अंदर सेंटर से आप। ये देखें ये 3 बीज थे, इसमें 3 आसानी से निकल गए इस तरह से सब आपको आसानी से। अभी हम सारे निकाल के फिर आपको दिखाते हैं। अभी इसके अंदर सारा हम इसमें भरेंगे और फिर ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये जग में डालेंगे सब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम ये देखें ये सारा जग के अंदर हो ब्लेंड कर लिया मैंने। अब ये बहुत अच्छा सा साफ सुथरा बहुत बेहतरीन तरीके से बारीक हुआ है जग में। अब ये सारा हम इसी के अंदर इंशाल्लाह ताला छानते हैं, फिर आपको और हम उसमें दिखाएंगे कि इतना ज़्यादा इसके अंदर वो नहीं निकला है। इसके छिलके या जो भी वाइट गूदा, इसको भी हमने साफ़ कर लिया था, जो वाइट वाइट ऊपर से जाली चढ़ी होती ना उसके बारीक बारीक से होता है, वो भी सब साफ़ हो गया। ये देखें ये भी ज़्यादा नहीं है, ये देखें है ना ये। और छन्ना भी हमारा ज़्यादा बारीक नहीं है, मीडियम है इसके। ये देखें ये सारा पल बहुत अच्छा निकल रहा माशाल्लाह से, बहुत बेहतरीन। और अब इंशाल्लाह ताला इसको हम आपको दिखाएँगे जब उस पर चढ़ाएँगे चूल्हे पे, तो आपको अभी हम दिखाते हैं इसको सारा। ये पल देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह ये कितना बेहतरीन बना है। ठीक है, ये देखें माशाल्लाह बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये हम देखें कब से नाप के डालेंगे उसी हिसाब से हमने फिर चीनी भी ऐड करना है इसके अंदर, वरना ज़रा सा भी आगे पीछे हो जाए वो भी नहीं अच्छा लगता है। चीनी में इसके अंदर ज़्यादा मिठास भी नहीं अच्छी लगती है। ये 5 हो गए कप। ठीक है, अब इतने ही हमने चीनी ऐड करना है। अब ये चीनी जितना ये था उतनी ही चीनी हमें ऐड करना। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये अब पूरे हो गए समझ ले, 5 ये था, 5 कप ये था, 5 कप ये हो गया, दोनों हो गए। अब ये देखिए मैंने इसके अंदर सब ऐड कर दिया, चीनी भी उतनी ही डाली जितनी इसके अंदर पल था ये। और ये अब आसानी से सिलो सिलो आंच पे इसको हमने बनाना है, तेज़ आंच नहीं करेंगे। ठीक है, और इसको टाइम लगेगा अभी, इसको हम सिलो सिलो लेकिन छोड़ेंगे नहीं, क्योंकि चीनी पड़ी हुई है तो वो लगने का डर होता है कि कढ़ाई में ना नीचे जल ना जाए। ये नींबू है इसमें, ये हमें इसको अब ऐड करना है क्योंकि ये बॉयल आने के बाद अब ये पकना शुरू हो गया सिलो सिलो। अब इसके अंदर ये है नींबू, साथ साथ हम ऐड करेंगे। ठीक है, एक बहुत है क्योंकि जितनी क्वांटिटी है हमारा उसमें उसके लिए माल्टे में उसी हिसाब से ये एक बहुत है इसका जूस। अभी इसमें थोड़ा पकेगा, उसके बाद फिर हम इसमें जो छिलके हमने काटे हैं वो ऐड करेंगे। अभी थोड़ा सा और ये हल्का सा और पक गया अभी,
ठीक है, अभी चीनी घुल लाइए, सिलो सिलो। अब ये हम दिखा रहे हैं, ये कटिंग करते हैं ना, छिलकों की साफ कर चुके हैं हम। ये देखें सारे साफ करके ये सब हमने रखे हुए हैं। ये बहुत स्लो पका रहे हैं ताकि ना अच्छे से हो जाए, और ये जो उसके छिलके काटे थे सारे, वो इसके छिलके ये भी आस्ते आस्ते इसके अंदर गल जाएंगे, क्योंकि चूल्हा तेज़ नहीं कर सकते, तेज़ से जल्दी जल्दी जल जाएगा। ठीक है, अब इंशाल्लाह ताला ये बहुत अच्छा बनेगा। लेमन भी इसमें ऐड कर दिया, छिलके भी हो गए, चीनी भी हो गई, और ये ऑमलेट भी जग में करके फिर वो भी पीस के इसमें डाल दिया। और माशाल्लाह से बस थोड़ी देर रह गई, अभी ये पकता रहेगा। देखिए अभी इसके अंदर गाढ़ा नहीं हुआ है, थोड़ा थोड़ा अभी पतला है ये। अभी इसको छिलके भी इसके अंदर देखिए खूब अच्छे से घुल गए हैं, थोड़े थोड़े नज़र आ रहे हैं। ठीक है, और बस थोड़ा सा अभी ये 2 से 3 मिनट और बाकी, फिर अभी आपको दिखाते हैं। ये देखिए अब ये एंड हो रहा है, तैयारी के करीब है ये ऑमलेट हमारा। और आप शुरू से हमारी वीडियो देखिएगा, आपको पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए जो नए हैं हमारे चैनल पे, और शेयर कीजिए आप। और आपको इंशाल्लाह ताला हमारे पकाए हुआ तरीका भी पसंद आएगा। सब अपने पर अपने तरीके से बनाते हैं, सबका तरीका अपना अपना अपनी जगह पे होता है, सब बहुत अच्छा बनाते हैं सब लोग माशाल्लाह से। और हम भी बना रहे हैं, अभी इसमें टाइम है, थोड़ा सा और ये गाढ़ा हो जाए फिर हम आपको दिखाते हैं। लेकिन ये है कि अभी मैं चाह रही हूँ कि थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए, क्योंकि जब ये ठंडा होगा ना तो फिर ये और गाढ़ा होगा, तो हम चाह रहे हैं थोड़ा सा और गाढ़ा हो जाए फिर ये। ये देखें अब ये बिल्कुल रेडी हो रहा है, अब हम इसको डिश आउट करके आपको फाइनल लुक दिखाते हैं। और ये हमारे घर में ऑमलेट हम ज़्यादा पसंद करते हैं शौक से, और मेरा एक बेटा और एक बेटी, बाकी जो है ना ज़्यादा जेली खाते हैं, लेकिन आधे जेली आधे ऑमलेट। और माशाल्लाह से हम बना देते हैं घर में, और ये हेल्दी फूड है, अच्छा है, बच्चों के लिए भी अच्छा है, स्कूल जाएँ लेके आप उनको लगा के दें, डबल रोटी में लगाएं, ये खाएं शौक से, उनको मज़ा भी आता है। लेकिन ये है, हाँ शर्त होती है कि किसी को जेली पसंद है, किसी को मामले। ठीक है, और ये खाने में बहुत अच्छा लगेगा इंशाल्लाह ताला। अभी डिश आउट करके आपको दिखाते फाइनल लुक, एंड हो रहा है इसका। ये देखें अभी ये रेडी हो गया अच्छा खासा, ये देखें माशाल्लाह से कितना गाढ़ा हो रहा है, ये देखें कितना इससे अच्छा बेहतरीन इसका लेस आ रहा है इसके अंदर। और ये देखें ये इसमें लगाएं आप, देखिए कितना बेहतरीन ये लगेगा इंशाल्लाह ताला, वो पसंद आएगा। और छिलके भी इसमें गल गए जो इसके अंदर डाले थे, ये देखें ये भी बहुत अच्छा, बहुत अच्छा लग रहा है। अब इसके अंदर ये ठंडा हो जाए और मज़ीद तो और गाढ़ा होगा। हम ये शीशी है, क्या कहते हैं, मिर्चिस की हमारे पास रखी खाली, ऐसी शीशियाँ बहुत हैं हमारे पास, बाहर की भी आती हैं, ये भी इसमें भी रख देंगे और इसके अंदर भी रख देंगे भर के। ज़ाहिर है फिर इसके अंदर तो नहीं रह सकता ना, अब इसके अंदर हम ये भर के रख देंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, बाकी उजाला को इजाज़त दीजिए, फिर एक नई डिश के साथ आएंगे, नई रेसिपी लेके। अल्लाह हाफिज़।